व्हाइट हाउस में एंट्री करते ही राहुल गांधी ने मचा दिया तहलका। मोदी के भी उड़े होश। जी हाँ, आपको बताया चले कि राहुल गांधी के पास इस समय कांग्रेस में कोई पद नहीं है, उनकी लोकसभा सदस्यता भी जा चुकी है। बावजूद इसके अमेरिकी की अपनी यात्रा में हर दिन उन्होंने एक नई हेडलाइन बनाई है। अब ताजा रिपोर्ट है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व्हाइट हाउस में भी गए हैं, हालांकि इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया। ना तो बाइडेन प्रशासन की ओर से, ना ही कांग्रेस पार्टी ने कुछ कहा है। बताया चले कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलमनिस्ट सीमा सिरोही के मुताबिक राहुल गांधी की इस व्हाइट हाउस विजिट को किन्हीं कारणों के कारण राज में रखा गया है। राहुल के इस व्हाइट हाउस विजिट की टाइमिंग और इसके इर्द गिर्द हुई घटनाओं के कारण कई सारी बातें घूमने लगी है पॉलिटिकल और सोशल मीडिया सर्कल में। बताया चले कि इसी महीने की 21 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका जाने वाले हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले राहुल गांधी ने व्हाइट हाउस का विजिट कर लिया, उसके बाद से भाजपा खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। बताया चले कि अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान राहुल गांधी बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर है, और यह भी एक वजह है कि कुछ जर्नलिस्ट ने व्हाइट हाउस में रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत में लोकतंत्र की स्थिति को लेकर सवाल उठा दिए। अगर राहुल गांधी के बयानों से सरकार असहज हो रही थी तो पत्रकारों के सवालों ने कुछ हद तक व्हाइट हाउस को असहज किया, जो इस समय व्यस्त है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अचानक से व्हाइट हाउस में एंट्री करते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में बैठी मोदी सरकार देखते रह जाती है। फिलहाल ये खबर लगातार सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है कि आखिरकार राहुल गांधी व्हाइट हाउस में गए तो गए क्यों। फिलहाल इस खबर को देखकर आप क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज डेस्क से हर्षराज की रिपोर्ट।